हारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो आईसीयू में। प्लीज जल्दी चलें। क्या? मेरा पर्स कहाँ है? जल्दी चलें, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना वो? उनको सिर्फ चोट आई है। किधर? क्या कोई हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने कॉल भी डिटेल्स थोड़ी पूछी थी। पापा को बताया? नहीं। चलो ठीक है, जल्दी आओ, बैठो। सॉरी मैम, आपने आने में बहुत देर कर दी, इनकी डेथ हो चुकी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. अब मैं घर जाके देख लूंगी। अरे बात तो सुनो। अरे रुको एक सेकेंड। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। एक सेकेंड। यार I'm so sorry, मैं तुम्हें और कैसे बुलाता? इतनी हेक्टिक रूटीन चल रही है मेरी, और घर तुम्हारा, oh my God, तुम्हारे हिटलर डैड रात के 10 बजे के बाद वैसे ही मुझे फायर मार दें। मरने का ड्रामा जरूर करना था। मैं इतना डर गई थी, मैंने कैसे गाड़ी चलवाई है मुझे पता है। आपको समझ भी आ रही है कि do you even know कि मैं... मतलब कि you love me, right? आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, आप जाके ना किसी स्टेज ड्रामे पे कोई मजनू बन जाए या कोई रांझे का रोल करें। डॉक्टरी मेरा पेशा है और मोहब्बत मुझ पर फर्ज। मैं प्यार के लिए बना हूं और सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा, ठीक है? और तुम मेरी मंगेतर हो यार, मैं तुमसे नहीं प्यार करूंगा तो और किससे करूंगा? नर्स रोजी से? और कहां है मेरी हीरे की अंगूठी? ये आपकी अंगूठी आप रखें, मैं ये ड्रामा नहीं हैंडल कर सकती। अरे मेरी बात तो सुनो, एक सेकेंड। नूर, अनारकली ने ऐसे ही हीरे की अंगूठी खा के खुदकुशी की थी ना, मैं ये अंगूठी खा के मर जाऊंगा, समझी तुम? मेरी एक्सबॉक्स, मेरी वीडियो गेम्स, मेरी गाड़ी, मेरा नया फोन, सब कुछ तुम्हारा होगा नूर। अच्छा अच्छा, बस बस बस, बहुत ड्रामा हो गया, ये मुझे दे। एक तो अंगूठियां खा के लोग नहीं मरते, और अनारकली अंगूठी खा के नहीं मरी थी, उसे दीवार में चुनवा दिया गया था मेरी तरह। थैंक यू, अजीब सरप्राइज था लेकिन ठीक था। तुम घर चलो जल्दी। ये खुशी हो रही है मुझे। ठीक है, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ये जोड़ी, और दुल्हन बन के तो ताजवर कितनी हसीन लग रही हो तुम। खुदा हमेशा इस जोड़ी को सलामत रखे। और हारिस मियाँ, अरे कितना चाहते हैं ताजवर तुम्हें। ऐसा इश्क मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। इसमें अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो।
और ये जोड़ी ता कयामत बनी रहे, मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलेगी। बहुत खुश हूं। ये कमरा मुझे मेरा नहीं लगता है, बल्कि ये पूरा घर ही मुझे मेरा नहीं लगता है। तुम, शाही बुआ, पापा भी सब हारिस के साथ मिले हुए हो। अच्छा, ये कार्ड तो देखें। मैं इसे देखे बगैर तुम्हें बता सकती हूँ कि उसने क्या लिखा होगा। अच्छा, चलें बताएं क्या लिखा है। एक ही जैसी बातें करता है। मेरी प्यारी ताजवर, जिंदगी एक बार मिलती है और ये जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, और अगर जिंदगी बार बार मिलती होती तब भी तुम्हारे नाम कर देता। कुछ ऐसे ही लिखा है ना। अरे वाह, अच्छा ऐसे तो ना उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ रहा है। ही सो स्वीट। चाय में अगर कोई 6 चम्मच चीनी डाल दे तो जायका खराब होता ना, तो अगर जिंदगी में कोई इतना स्वीट हो जाए तब भी जायका खराब हो जाता है। खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। ब्रेकफास्ट इज सर्व। खैरियत है? बड़ी खिदमतें हो रही हैं। अच्छा जी, उस दिन पास्ता किसने आपको बना के दिया था? हाँ, आपका उस दिन पिछले साल था, अगर तो आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है डॉक्टर साहब, या फिर आप ये कहें कि आपको ताजवर के सिवा कुछ समझ ही नहीं आता। वाह, बहन हो तो ऐसी हो जो भाई की दिल की बात को यूं समझे, क्या बात है आपकी। अभी आपको पता तो है हुमायूं भी चला गया है, मेरा कोई दोस्त शोस्त तो है नहीं यहाँ पे, अब मैं दिल की बात आप ही से करूँगा ना। अच्छा, जो भी कहना है जल्दी कहो, मी गेटिंग लेट। हाँ, देर हो जाएगी मुझे। वो मैंने कहना था कि रफीकी अंकल से बात करें ना, मतलब समझ भी जाए ना आप क्यों इतनी इंपॉर्टेंस ले रही हैं मेरी। देखिए, आपने जर्मनी चले जाना है अपने PhD के लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अकेला हो जाऊँगा बिल्कुल। नो इमोशनल तकरीर, जल्दी से बताओ बात क्या है, कम टू द पॉइंट। मेरी शादी की बात करें रफीकी अंकल से और डेट फिक्स करें आज ही। आज ही? आज में क्या खास बात है? आज ताजवर का बर्थडे है, इट्स अ वेरी स्पेशल डे, और हम विश करने जाएंगे और गिफ्ट भी लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ, ओके 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 ओके, चलेंगे चलेंगे, जरूर चलेंगे। बट एक बात आप स्किप हो गया ना, याद ही नहीं रहा कि उसका बर्थडे, कुछ खरीदा ही नहीं मैंने उसके लिए, सो सॉरी। डोंट वरी, ऑलरेडी डन, मैंने आपकी तरफ से बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ताजवर के मजनू है। ऑफ कोर्स, आपको पता है मैंने तो अगले साल की बर्थडे भी प्लान कर लिया, मालदीव्स, 8 दिन का परफेक्ट ट्रिप, मिस्टर एंड मिसेस हारिस की होटल बुकिंग हो चुकी है। यू आर क्रेजी हारिस, हॉस्पिटल नहीं जाना तुमने? जाना तो है, आज डे और नाइट ड्यूटी है मेरी। कैन यू बिलीव इट, वो MS साहब है ना, उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया मुझे ये ताजवर का। मी गेटिंग लेट। हाँ, तुम्हें बाद में देखूंगी, बात करते हैं शाम में। अरे ऑमलेट है लबा भाई, सिया। अरे ऑमलेट तो खाए, इतनी मुश्किलों से बनाया था मैंने। ये क्या कानों में टूटियां लगाकर सुनती रहती हो? अरे एक रोज नहीं सुनोगी तो क्या खाना हजम नहीं होगा? बस कुछ ऐसे ही है शाही। ये शाही शाही क्या बोलते हो तुम लोग भाई? शहाना बेगम से हम शहाना बुआ हुए, फिर शाही बेगम से हम शाही हुए, अब कल को तुम शाह शाह कर देना। शाही, अब दुनिया इतनी स्पीड पे चलती है बिल्कुल बुलेट्स की तरह, और आपका नाम शहाना बेगम, इतना लंबा कौन बोले। सच पूछे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये काम। कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो? मसलन भाई, जो लड़कियां काम करती हैं, घरदारी, सिलाई कढ़ाई, खानादारी, खाना पकाना, घर देखना, ये काम मैं करूंगी तो शाही आप क्या करेंगी? आपकी तो नौकरी गई ना। ताजवर, शादी के बाद लड़की के लिए और कोई नहीं, सिर्फ हांडी चूल्हा ही काम आता है। तो क्या, एक मिनट शाही। हाँ बैठे। हाँ। मुझे ये बताएं कि माँ बाप लड़कियों को ये काम इसलिए सिखाते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए और वहाँ जाके वो ये काम करें।
मतलब मेरी कोई और अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशात, कोई अपने ख्वाब, कुछ भी नहीं है। हाँ ताजवर, तुम भूल रही हो, सब कुछ तुम्हारे बाबा ने पूरा कर दिया हुआ है। कोई तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी नहीं करते। और वो हारिस मियाँ, वो तो तुम्हारे नाज नखरे उठाते थकता नहीं है। अरे कितनी खुशकिस्मत हो तुम, राज करोगी राज। चले अगर वहां जाके मैंने राज करना है तो यहाँ पे तो म्यूजिक सुनने देना। ताजवर, तुम्हारे बाबा तुम्हारी सालगिरह के लिए बहुत से तोहफे लेके आए हैं, आओ देखते हैं चल के। मुझे नहीं देखना। मगर क्यों बेटा? तोहफे बस खरीद के रख दिए उन्होंने, खुदा के दे नहीं सकते थे। शाम को तुमने उनका लाया हुआ जोड़ा पहनना है। अच्छा, मुझे उनका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए शाही, जो मुझे चाहिए वो तो वो मुझे दे नहीं सकते। किस कदर बातें करती है ये लड़की। बस बस, 2 साल से तेरी शक्ल नहीं देखी, लाहौर आने का टाइम ही नहीं है तेरे पास। किस किस्म का दोस्त है तू? अच्छा बस कर, बस रहने दे अब। वैसे तेरी नाराजगी है तो जायज, कुछ कर्ज थे यहाँ पे, वो उतार रहा था। वो कौन से? वो तेरे ताया जान, जिन्होंने यतीमों वाला सलूक किया तेरे साथ। कम ऑन हुमायूं, क्या हो गया तुझे यार, तुझे यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चल बस कर दे अब, अपना मूड ठीक कर, एक खुशखबरी देनी है तुझे। क्या? डोंट टेल मी तू उनकी बेटी से शादी तो नहीं कर रहा, मान तो नहीं गया तू? नहीं, ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये है कि मैं लाहौर आ रहा हूँ। तो अभी पूरे 2 महीने के लिए अपनी पोस्टिंग करवाई है मैंने जबरदस्ती वहाँ पे। क्या बात है। अच्छा तू सीधा मेरी तरफ आएगा ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ, हम कल मिलते हैं। बकवास मत कर, शाम को हमने ताजवर के घर जाना है, उसकी बर्थडे है, तो तू भी चलेगा साथ। यार हारिस बात सुन, तू चला जाना वहाँ पे, हम लोग कल मिलते हैं ना। यार तेरा वहाँ जाना बहुत लाजमी है, क्या कर रहा है तू? यार शाम को मेरी शादी की डेट फिक्स होने जा रही है यार, यू हैव टू बी देयर। देख यार मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, हम लोग कल मिलते हैं ना। तू तो चाहता ही नहीं मैं उससे शादी करूं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपिया से कहता हूँ कि जब तक तू फ्री नहीं हो जाता ना, सब कुछ होल्ड पे कर दें, इवन ताजवर की बर्थडे। बात सुन मेरी, ज्यादा डायलॉग मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है चल लूंगा मैं साथ। 8 बजे तक पहुंच जाना यहाँ पे, तैयार। लाफस। ओके बाय। अंदर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अगर आपने कुछ कहना है तो कहते। मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूं। और जो कुछ कह चुके हैं उस पर कुछ सोचा आप? तुम्हें क्या लगता है ये सब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ बिना सोचे बिना समझे कह रहा हूँ? देखो ताज, हम दोनों की जिंदगियों के लिए यही बेहतर है। बात सिर्फ आपकी जिंदगी की होती तो कोई बात नहीं थी, मैं आपकी खामोशी 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही है, मेरी, आपकी, हारिस की। तो क्या मेरे खामोशी तोड़ देने से 3 जिंदगियां बच जाएंगी? तुम बात को समझ नहीं रही हो, हारिस के खानदान वालों के मुझ पे बहुत एहसान है। क्या उन एहसानों की कीमत मैं हूँ? और कोई तरीका नहीं उनके एहसान पूरे करने का? ताज नहीं है कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है, कम अज कम हारिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखो तुम्हारी जिंदगी हारिस के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी, तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है तो उस दिल को समझा दो, मुझे भुला दो ताज। तो आप पापा से ये नहीं कहेंगे कि आपकी बेटी मुझे चाहती है और मेरा रिश्ता उससे जोड़ दे और मैं उसको बहुत खुश रखूंगा? नहीं बोल सकता ताज, क्या बोलूं उनसे जाके कि अपनी बेटी का हाथ एक यतीम और शकलिंग लड़के को देते सिर्फ इसलिए कि वो उससे। रुक क्यों गए? खैर क्यों नहीं देते कि आप मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं आपसे करती हूँ? नहीं कहूंगा,
नहीं कहूंगा मैं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी और हारिस की जिंदगी बर्बाद कर दूं, इसीलिए मैं आज शाम इस्लामाबाद जा रहा हूं। वहां मेरी एक जॉब लग गई है और CSS के एग्जाम्स का रिजल्ट भी आने वाला है। अल्लाह मालिक अब जो भी होगा। मतलब आप मेरे शहर में भी नहीं होंगे, मैं बहाने से आपकी शक्ल भी नहीं देख सकूंगी। कर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं। Come in. Many happy returns of the day. कैसा है मेरा बच्चा? Of all the days, आज भी नाराज हो अपने पापा से? जी बिल्कुल मामा की तरह, वो भी तो आपसे खफा थी जब वो इस दुनिया से चली गई, और उनके साथ आपने उनके सारे शौक ख्वाब सब कुछ दफना दिए। पापा आखिर क्यों? बहुत सवाल करने लगी हो तुम आजकल। आप ही ने तो सिखाया है, आप ही तो कहते हैं कि जो लड़कियां खामोशी से जुल्म सहती रहती हैं उनसे आपको वहशत होती है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने बाप से बदतमीजी करने लगो? नहीं, मैं बदतमीजी हरगिज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बहुत अदब से एक सवाल पूछ रही हूँ जो मैं कई सालों से पूछती आ रही हूँ। मामा कैसे मरी? क्या उनकी वो बीमारी उन्हें ले गई, या उनके साथ कोई हादसा हुआ, या उन्होंने किसी बात की वजह से खुदकुशी कर ली? प्लीज मुझे बताएं, आज तोहफा समझ के ही बता दें। आज मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, और हाँ, वो शाम को वो हारिस और मैरी नारायण शादी की तारीख तय करने के लिए 3 साल काफी होते हैं किसी भी मंगनी के लिए। किसी भी मंगनी? और वो मंगनी जो नादानी में की जाए उसका क्या? मैं 19 साल की थी जब ये मंगनी तय हुई पापा, मुझे तो किसी चीज की समझ नहीं थी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे, फिर मुझे कंधे का बोझ समझ के क्यों फेंक रहे? क्या खराबी है हारिस में? मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है, खानदानी है, डॉक्टर है, बहुत काफी होता है ये किसी भी शादी की कामयाबी के लिए। कामयाब शादी के लिए इतना काफी होगा, अगर कामयाब जिंदगी के लिए इतना बहुत नहीं है पापा। जीने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है जो मुझे हारिस से नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि उसे देखकर मेरा दिल नहीं धड़कता, उसे सोचकर मेरा चेहरा नहीं दमकता, वो आसपास ना हो तो मेरी सांसें नहीं रुकती। हारिस एक अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त है, मगर वो मेरा हमसफर नहीं है, उसकी और मेरी तो मंजिल भी एक नहीं है। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे हुमायूं बख्श दें। मैं आपसे कैसे कहूं कि हुमायूं मेरी जिंदगी है? कैसे बताऊं कि बस वही मुझे मुकम्मल कर सकता है? मैं क्या करूं पापा, सिर्फ जिंदा रहूं या एक बार जी लूं? कैसे बताऊं मैं कर, हर रोज हर लम्हा मुझे तुम्हारी कमी जिंदगी के किस किस मोड़ पे महसूस होती है। काश मैंने तुमसे वो जरा सी बेवफाई ना की होती तो शायद तुम कुछ और अरसा जी लेती। पता है आज ताजवर सब कुछ जानते हुए मुझसे सच सुनने की जिद करती, और सफाई में मेरे पास झूठ कहने के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन ये भी तो सच है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन ये अधूरा सच उसे कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि मैं बेवफा जरूर था लेकिन बेरहम नहीं, तुम्हारा कातिल नहीं निकल।
रही हो? ओह गॉड, ये देखो 30 कॉल्स आई हुई हारिस भाई की। यार तुम इतनी सैड क्यों बैठी हुई हो? वो आज से तुम्हारी डेट लेने आ रहे हैं, तुम्हें ब्याह के नहीं फौरन ले जाएंगे। तुम्हें पता है जब मेरी शादी होगी ना, मैं तो ऐसे शान से रुखसत होंगे। तुम्हें अम्मी याद नहीं आती? तुम्हें पता है जो गाना भी लगा हुआ था, मरने से पहले अम्मी ये सुन रही थी। पता है मुझे, मगर वो इसे सुन तो नहीं रही थी। वो तो कोमा में थी और पापा ने उनके सरहाने गाना लगाया हुआ था। वो अचानक कैसे मर गई? कैसे? क्या तुम हर खुशी के मौके पर ऐसी बातें लेकर बैठ जाती हो? प्लीज भूल जाओ मामा की डेथ को और पापा को माफ कर दो। ना मैं कभी मामा की मौत को भूल सकती हूँ और ना मैं पापा को कभी माफ कर सकती हूँ। शायद कर देती अगर ये मेरे साथ हारिस वाला किसाना शुरू करते थे। क्या बुराई हारिस भाई में? पापा को उस वक्त जो समझ में आया उन्होंने वही किया। पापा के लिए मैं और तुम पैरों की जंजीरें हैं। उन्होंने एक जंजीर उतारी और हारिस को सौंप दी, बस। हाँ, और तुमने अंगूठी पहन ली तो और क्या करती? एक 19 साल की बच्ची जिसके सर पे माँ नहीं है, कॉलेज से घर आती है और उसे पता चलता है कि बस उसको तैयार होना है, उसकी मंगनी है। किससे है मंगनी नहीं पता। वो तो मुझे तब जाके पता चला कि हारिस है जब मैं ड्राइंग रूम में गई। इतनी जल्दी तो कोई घर का फर्नीचर नहीं फेंकता। अगर तुम 5 साल में पापा को ये सब कुछ नहीं बता सकी ना कि तुम बड़ी हो चुकी हो, मच्योर हो चुकी हो, तुम जान चुकी हो तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो आई एम रियली सॉरी टू से ये सब तुम्हारा कसूर है। अब वो लोग आ रहे हैं आज डेट लेने के लिए, फिर वहां जाके हंगामा मचा देना, फिर कोई मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लो, सारा काम हम पे डाल दिया, अब हम अकेले क्या क्या कर लेंगे? और ये लड़कियां, मजाल है इनकी जो ये किचन में आके झांक के भी देख ले। सब कुछ मुझ पे डाल दिया, मैं अकेली जान। उफ, उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट मुझे पकड़ा दी और कहा देखो बुआ तुम समोसे भी खुद तल लो, रूट चाट भी बना लो, तुम दही बड़े भी बना लो और केक वो बेकरी से ले आएंगे लो। तो भी वो इतना आसान क्यों कर रहे हैं मुझ पर? हमें आता है ना केक बनाना, हम रोज़ टीवी पे देखते हैं कि शेफ कैसे केक बनाता है, हम केक भी बना लेंगे। बड़ी आपकी मेहरबानी, आप रहने दें। अरे तू क्या हंस रही है? इतना थोड़ा टाइम लगेगा, जाके बाहर सब सजा। इन लड़कियों को तो बस फैशन आता है, मेकअप करा लो इनसे, ज्वेलरी पहना लो इनको, बाजार जाना हो तो एक मिनट में तैयार हो जाएंगी। लेकिन किचन का रुख नहीं करने की, वो बुआ जो है करने के लिए। हैप्पी बर्थडे, हमारा बर्थडे के। थैंक यू सो मच। क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो। वाओ, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, वही तुम सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है? जॉब अब तक लगा कर रहा मैं, बल्कि अब तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड अंकल, दो हफ्ते बाद क्यों ना वीकेंड पे 30 मार्च को शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। हाँ, जैसे उन लोगों को अच्छा लगे ऐसे ही कर लेते। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, आई जॉइन यू लेटर।
थोड़ा सरप्राइज यार, तू लाहौर आ गया। बस यार तेरी याद आ रही थी तो आ गया तेरी खातिर। कैसी हो ताज भाई? हमेशा की तरह नाखुश और नाशुक्र गुजार। वैसे आप कहाँ थे? हारिस आपको मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। मेरा दोस्त मेरा जिगर 2 महीने के लिए मेरी खातिर लाहौर आ गया, क्या बात है यार। हुमायूं तूने बताया नहीं यार, तू 2 साल पहले एकदम से लाहौर से क्यों चला गया? एक्चुअली यकीनन किसी की वजह से गए होंगे, किसी ने बहुत तंग किया होगा या किसी से नफरत हो गई होगी। अच्छा छोड़ो ना यार, why you bothering him? देखो कितने प्यार से केक लाया तुम्हारे लिए। ऐसी जरूरत नहीं थी, केक तो हम काट चुके थे। But thank you so much. दिखाता हूँ। तेरे से मिलती है हारिस, तुम्हारी शादी तो हो रही है आखिरकार, लेकिन मुझे ताजवा के चेहरे पे ढूंढने से भी खुशी नजर नहीं आ रही। ये तो उसकी अदा है, वो अपनी फीलिंग्स मेरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि जैसे अंकल की खातिर उनका उनका किया हुआ फैसला निभा रही है। क्यों हुमायूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी अपिया, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, नॉर्मल ही थी वो, और अपना हारिस भी तो उस पर कुछ ज़्यादा ही जानेसार करता है। हो सकता है शायद उसे कुछ स्पेस चाहिए। अरे कोई स्पेस वेस नहीं चाहिए उसे यार, ये ना हो कि मैं पीछे हट जाऊँ तो कोई दूसरा बीच में आके घुस जाए जैसे फिल्मों में होता है। हारिस यार एक बहुत ज़रूरी बात तुझे बतानी है, वो ताया जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई यार, तो जिस दिन तेरा निकाह है मुझे उसी दिन निकलना पड़ेगा। सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं जो तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? इट्स ओके ना हारिस, जाने दो उसे, अगर इतना ही मसला है। वैसे तुम दोनों की दोस्ती देखकर मुझे रश्क होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे बाकी के किस्से सुन लेना तो आप हैरान हो जाएं। आपको पता है एक दफ़ा मेरी 3 लड़कों से लड़ाई हो रही थी, मैं तो वहाँ से भाग गया, लेकिन हुमायूं ने उन 3ों के साथ डट के लड़ाई की। ओह रियली? हड्डियाँ भी तोड़वाई हैं इसने अपनी काफ़ी। अच्छा हड्डियाँ तोड़वाई, अब वो याद नहीं है जो एक लड़का था उसकी हड्डियाँ तोड़ी भी थी? Hey. Hi. How are you? Good. Looking nice. Thanks. मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात? क्यों? मायों किधर रह गया यार? अरे खाना ऑर्डर करना है, जल्दी कर। किधर, पार्किंग में? चल ठीक है, आ जा। ओके। हमारी आखिरी मुलाकात में हुमायूं क्या कर रहा है? तुम जब चिढ़ती हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। 2 दिन बाद हमारी शादी है यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी आखिरी मुलाकात। तो मेरी चाहती ना कि वो हमारे साथ बैठा। ए बड़ी, कैसे है? सॉरी आई एम बिट लेट। सॉरी एक्सेप्टेड। कैसे हो ताज? यार खाना ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। अरे जमान की कॉल है। हाँ व्हाट? ओह माय गॉड, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा हाँ हाँ बता। क्या
क्या जरूरत थी वापस आने की? इन दो सालों में मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को हारिस की तरफ माइल किया है, फिर क्यों आए? फिर वापस आगे मेरा ही मान खराब करने? सॉरी, लेकिन यहाँ आने का कतई वो मकसद नहीं। ये पोस्टिंग यहाँ पे होगी, इस दिन मुझे मजबूरन यहाँ आना। मैं तो हारिस से मिलकर चला जाता, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मुझे याद किया हुआ है, कभी किसी रात रोए मेरे लिए, कभी तड़पे। हाँ, बस फरामोश कर दिया मुझे, क्योंकि ये सब मैंने किया था। मेरी बेचैनी, मेरी तड़प का एहसास कभी ना कभी तो हुआ होगा ना आपको। बोले, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है तुमसे। वैसे भी मैं सबके लिए तुमसे माजरत कर चुका हूँ। बड़ा अच्छा लफ्ज है ये तो। माजरत तब क्यों नहीं की जब मुझसे मोहब्बत की थी, जब मेरे दिल में आकर बस गए थे? इस तरह मुझे बर्बाद करके चले गए और अब माजरत कर रहे हैं। खत्म कर दिया आपने मुझे, क्योंकि ना मैं आपकी रही हूं, ना हारिस की, और ना कभी अपनी रहूंगी। आपको मेरी कसम है, जितना जल्दी हो सके आप यहां से चले जाएं। आपकी शक्ल नहीं देखी। सॉरी गाइस, ज़मान की कॉल थी यार, वो बालाकोट से। वहां जलजला आ गया यार, इमरजेंसी हो गई है। कह रहे थे डॉक्टर्स बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ अपने हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स को मोबिलाइज करके ले जाऊँ अपने साथ। तो तू क्यों जाएगा साथ? इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज दे। तुम्हारी दो दिन बाद शादी है, तुम अपनी शादी को छोड़ के वहां जाओगे बालाकोट? हमें जाना पड़ेगा यार, इमरजेंसी है। तुम कहीं नहीं जा रहे समझे? सलमान को फोन करके तू खुद मना कर रहे हैं या मैं अपने पास से फोन करूँ? जिंदगी में एक नेक काम करने जा रहा हूँ, वो भी नहीं करने दे रहा मुझे। ओ भाई, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज देना यार। तेरी दो दिन बाद शादी है, तो कहाँ वहां जाएगा? तुम क्यों नाराज हो रही हो? बस अजीब सा लग रहा है कि एन मौके पे आप जा रहे हैं। आई प्रॉमिस आई विल बी बैक। इसको छोड़ दो ना तुम, बाहर माइयों का इंतजाम देखो। अरे शाही, इंतजाम सब ठीक ठाक है? हाँ, उसको छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ कि खबर आई दूल्हा मियाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं? नहीं, कल तक वापस आ जाएगा। फोन पे बात हुई थी उससे, वो बालाकोट से एबटाबाद जा रहा था। हाँ वैसे सही कह रहे हो तुम, दुनिया में वहाँ एक डॉक्टर हारिस ही तो रह गया है जिसने मरीजों का इलाज करना है। बेहद होती है, दो दिन के बाद शादी है, ये कोई मजाक है? पता होगा आज दिक्कत की बहुत याद आ रही है। होती ना तो मेरे आधे गम बांट लेते। मैं अकेला कैसे रुखसत करूंगा अपनी बेटी को? हर खुशी अधूरी लग रही है आज। घर में हर कोई एक दूसरे से आंसू छुपाता फिर रहा। ये तो तुम्हें पता है कि बेटियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं, एक रोज उन्हें फूट से उठ जाना होता है। तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या बीत रही, मेरा कलेजा कटा जा रहा है। मैं नीची थी जब मैंने उसको अपने हाथों से पाला, जब फ्रॉक पहनती थी, भागी फिरती थी। मुझे ऐसे लग रहा जैसे अभी की तो बात है और आज उसे रुखसत कर रही। दुआ करो खुदा उसके नसीब अच्छे करे, वो अपने घर खुश रहे। अभी मुझे पता था कि आप यहीं होंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद टीवी देख रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यह बाहर सो रही है, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो हारिस की इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, ताज
खुदा के लिए मुझे शादी से बचा लो हुमायूं, अभी भी वक्त है। देखो कल फिर हारिस आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम क्या चाह रही हो ताज? हम आज रात ही निकाह कर लें, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पापा भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे और हारिस कुछ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे सब राजी हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। हुमायूं चलो। अब चुपचाप अंदर घर जाओ। अब मैं यहां पे उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरा दोस्त आके तुमसे निकाह नहीं करता। जाओ तुम अंदर। हेलो, हारिस की डेथ हो गई। आप ही हुमायूं भाई मिलने आए हैं। इस्लामाबाद जा रहा हूं वापस। ख्याल रखना, दो महीने हो गए और हारिस। वापस कब आएंगे? इस शहर में मैं सिर्फ हारिस की वजह से आया करता था। जब वो ही नहीं रहा तो फिर किसके लिए आऊंगा वापस? मैं आपको इस शहर में आने से बार बार मजबूर नहीं कर सकती, एक बार जरूर मजबूर कर सकती हूं। अगर मैं मर जाऊं तो? ताज तुम्हें क्या हो गया? प्लीज ऐसी बातें मत करो। सब कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, कोई ये नहीं कहता है कि ऐसी बातें मत सोचो। शायद इसलिए क्योंकि कोई हमारी सोच नहीं सुन सकता, नहीं जान सकता कि हमारे दिल में क्या है। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करती, बस खामोशी से चली जाऊंगी, सबको पीछे छोड़ के। तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्यों नहीं होने देंगे? आपकी लगती क्या हूं मैं? आपके जिगरी दोस्त की आधी बेवा? क्योंकि हमारी तो सिर्फ मंगनी हुई थी। देखो, तेरी बात समझने की कोशिश करो। आप बात नहीं समझ रहे। हम में से किसी एक को मरना होगा, या आपको या मुझे। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने मारा हारिस को, मैंने लिया उसकी जान। मेरी जान तो ली है बार बार, आखिरी बार उस रात जब जबरदस्ती वापस ले आए थे मुझे। 2 माह हो गए इस बात को, मैं रोज रोती हूं। जानता हूं, शायद यही एहसास जुर्म है जो मुझे चैन से रहने नहीं देता। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया, मैंने धोखा दिया उसे, इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया। आप चाहे, आपकी फ्लाइट निकल जाएगी, बस अपनी रिटर्न फ्लाइट जरूर बुक कीजिएगा। आपके सहारे पर मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन आपके कंधे पर है। ताज तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें जीना है। किसके लिए? अपने लिए। अब
अपने लिए तो वो दरवेश भी नहीं जीते जो जाके जंगलों में बस जाते हैं। उनकी नीयत भी अल्लाह के करीब होने की होती, तो मैं सिर्फ अपने लिए कैसे जीऊं? मेरे पास बचा भी क्या है जीने के लिए सिवाय तल्ख माजी और एक मायूस मुस्तकबिल? मैं किसके लिए जीऊं? ताज संभालो खुद को, संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? ना हंसती हो ना बोलती हो, उदास रहती हो हर वक्त। तुम ऐसी नहीं थी, प्लीज संभालो खुद को। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। ताज संभालो खुद को। कब तक ऐसे चलता रहेगा? कैसा, क्या हुआ? हो ही तो कुछ नहीं रहा, समझ नहीं आती ये घर है कि भूत बंगला। इतना सन्नाटा है, किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं देती, ना कोई हंसता है ना बोलता है। अरे इससे ज्यादा रौनक तो कब्रिस्तानों में होती है। तो क्या करूं शाही, पहले निकृत को मौत ने छीन लिया और अब हारिस को चख लिया। घर में वीरानी नहीं होगी तो और क्या होगा? आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। अकेला तो तुमने हम लोगों को कब से छोड़ रखा है, और तुम ये समझती हो कि तुम्हारा दुख और गम दुनिया का सबसे बड़ा गम है, और तुम्हारी दुनिया से तुम्हारे अपने गिर्द घूमती है। सुनो, इस बार जो नुकसान हुआ है वो ताजवर बीबी का हुआ है। अब भी वक्त है, मैं तुमसे कह देती हूँ संभाल लो उसे, वरना सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। बस मैंने कह दिया ना। अच्छा हुआ मैंने ही उसे मना कर दिया। कहाँ वो हमारे साथ कबाब में हट्टी भरी। दूसरों को मशवरा देना बहुत आसान है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करें। अपने बारे में सोच के ही तो एक फैसला किया है। मैं लाहौर में रहूंगा, मैंने अपनी पोस्टिंग कैंसिल कर दी, कराची नहीं जा रहा। मैंने भी फैसला किया कि मैं जिंदगी की तरफ लौट आऊंगी। जो मर गए उनके साथ मरा नहीं जाता। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें अभी अकल आई, वरना तुम्हारी मरने मराने की बातें सुनकर मुझे डर ही लगा रहता था। रात को सही तरह सो भी नहीं पाता था मैं। अब फिक्र ना करें, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ। हुमायूं, ये ख्वाब तो नहीं? ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है।
ये गया तुम्हारा प्यादा। वैसे राजवर नजर नहीं आ रही कहीं, घर पर तो है ना वो? हाँ, घर के किसी कोने में होगी। ये वजीर का खाना है ना? ये वाला नहीं है, ये वाला है। वैसे हारिस बहुत चाहता था ना ताजपर को। हाँ, हारिस भाई तो आप ही पर जान छिड़कते थे। I don't know if I should say this or not, पर आप ही हारिस भाई से भागती थी। अच्छा, क्यों? आप तो उनके दोस्त थे, I mean हैं, पर आपको इधर की स्टोरी का नहीं पता। अच्छा, लेकिन दोनों की तो शादी होने वाली थी ना? जबरदस्ती की शादी थी। आप ही को मैंने कभी भी हारिस भाई के साथ खुश नहीं देखा। उनका दिल कहीं और होता था और दिमाग कहीं और। मतलब देखिए, जैसे आप है ना, आप ही आपके साथ बैठ के घंटों बातें करती हैं, हंसती हैं, और अब तो रोज वॉक के लिए भी जाती हैं। आपके आ जाने से बहुत ही अच्छी तब्दीलियां आई आप ही में। थैंक यू हुमायूं भाई, वरना या तो हर वक्त खामोश रहती थी या फिर बहुत ही खतरनाक। और ये गई आपकी मलका। अरे वाह, तुमने तो मुझे ही मात दे दी। मतलब शागिर्द ने उस्ताद को ही हरा दिया। वाह, जाओ जाके देखो अगर ताजवर फ्री है तो। उससे पूछो अगर मूड है तो मूवी का प्लान बना लेते और फिर खाना भी खाते हैं कई बार। ग्रेट आइडिया। वैसे भी अच्छा ही का मूड खराब है और उस खराब मूड में उन्होंने करेले पकाए। मैं अभी आप ही को बुला के लाती हूँ, आप यहाँ से हिलेगा मत। हाँ हाँ, तुम बुला लो। बेटा मेरी, तुम तो अचानक जर्मनी चली गई। ठीक है, हारिस तुम्हारा भाई था, तुम्हारी जिंदगी था, लेकिन हम भी तो तुम्हारे कुछ है ना। हारिस की यादों से भाग रही थी अंकल, यहाँ खुली तो खुद को यहाँ पाया। कुछ होश आएगा तो वापस आने की हिम्मत पकड़ूंगी। मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी पीएचडी कैसी जा रही है? दिन भर क्लासेस लेती रहती हूँ, मेरे गुजरने का पता नहीं चलता। लेकिन जब शाम होती है तो हारिस की यादें फिर से घेर लेती है मुझे। मैंने तो सुना था कि मरने वालों के साथ सबर आ जाता है, लेकिन जाने मुझे क्यों नहीं आ रहा। लो, ताजवर भी आ गए, तुम इससे बात करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। मैरी। हेलो अपिया, कैसी हैं आप? वापसी का चक्कर कब लग रहा है आपका? खुश हैं वहाँ पे? मैं ठीक हूँ। तो ताजवर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, फिर बात करेंगे, लेट हो जाऊंगी मैं। खुदा हाफिज। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं। ताज, बच्चे इस तरह मासी में खोए रहने का कोई फायदा नहीं। यू नीड टू मूव ऑन। कैसे? जरा सा भी हारिस को भुलाने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई रिश्तेदार फोन कर देता है अफसोस करने। हाय बेचारी शादी के दिन बेवा हो गई, कभी हाय वो बेचारा खाई में जाके मर गया, उसकी तो लाश भी नहीं मेरी दफनाने के लिए। अच्छा, ये नफरत है या गम है, जो कुछ भी है निकाल दो इसे प्लीज मेरी जान। मुझे आपसे नफरत नहीं है बाबा, बस कुछ शिकायत है आपसे और कुछ सवाल जिनका मुझे जवाब चाहिए। सवाल? कैंसर था तुम्हारी माँ को, ब्रेस्ट कैंसर, और मेरे पास बहाने के लिए आंसू और पैसा था, सो मैंने खूब बहाया। बीमारी में घुल के रह गई थी वो, और आखिरी दिनों में तो मेरी मिन्नतें करती थी, वो मुझसे भीख मांगती थी कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं। और आपने मार दिया।
उनकी बीमारी के जो 5 साल थे उसके दौरान आपके आगे पीछे वो जुटराना आंटी घूमती थी, उनका क्या? तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, जो तुम्हारे नन्हे दिमाग ने तुम्हें बताया तुमने वैसे ही सोचा। इतनी छोटी नहीं थी पापा, 14 साल की थी। इतनी समझ थी मुझ में कि आपकी इस बढ़ती फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप कहा जा सकता है। कुछ नहीं जानती तुम, और बेहतर है कि इस मौजू पे आइंदा हम कभी बात ना करें। मामा मैं एक दौराहे पे हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी जान खुद ली या आपको पापा ने मार डाला। ईशाया, आज तारीख क्या है? जी आज 22 जुलाई। ये कार्ड है, ये आपके चचा खलील दे गए थे, उनके सबसे छोटे साहबजादे का आज वलीमा है। और याद है उन्होंने कितनी ताकीद की थी तुम्हें आने की और तुम भूल गए? मेरे तो बिल्कुल जेन से निकल गया, मैं तो भूल गया, तो बहुत थका हुआ। मेरे ख्याल एक्सक्यूज कर लेता हूँ फ़ोन करके ना। नहीं, मैं एक बात कहूँ, हम ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चियों को भिजवा देते हैं। देखो ये तकरीबात जरा बहाना होती हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप ड्राइवर से कह के आप दोनों के साथ चली जाएं, वैसे भी देर से वेर हो जाती है ऐसे फंक्शंस में। नहीं, हमायूं बेटा है ना, हम उसे साथ भिजवाते हैं, एक तो हमें तसल्ली होगी ना कि हमारा अपना कोई उनके साथ है। हमायूं, और फिर पता है कि ताजवर उसके साथ बहुत हंसी खुशी से बातचीत करती है। अरे बाप, मैंने आज तक आपको इतना हसीन लगते पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, मुझे तो जो नजर आया मैंने पहन लिया, देखो मैंने तो नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। तो फिर आप ये बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहती? मुझे पता है आप किसके लिए तैयार होंगे। तुम ज्यादा बकवास ना करो, मुझे इयररिंग्स पकड़ाओ प्लीज। ये लो। वैसे आज तो मुझे लगता है कि हुमायूं भाई अपने होश ही खो देंगे आपको देखकर, यू नो कि वो मर जाएं। तुम जरूरत से ज्यादा नहीं बोलने लग गए, जो दिल में आया कह दिया। हाँ, और चाहती हूँ कि जो आपके दिल में आप भी वो बोल दें, बता दें सबको, यू नो कि देर हो जाए। आप जानती हैं ना कि बाप ने आगे क्या करना है। अच्छा चलें, अब जल्दी करें, हुमायूं भाई आने वाले हैं, मैं भी बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, ठीक है? आइए साहब, खाना लगा दिया मैंने, बच्चियां तो चली गई हैं और मैं भी आज ज़रा जल्दी सोना चाहूँगी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा। आप बैठे ना शाही, बैठिए बैठिए। जी शाही, मैं ये सोच रहा था कि हमें ताजवर का गम बटाने के लिए उसकी शादी कहीं और तय कर देनी चाहिए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली साहब, यही तो मैं कहना चाह रही थी। अब देखिए ना, हारिस का गम तो पहाड़ जितना है, और फिर अल्लाह की मर्जी के आगे तो हम बहुत बेबस हैं, जो भी नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने ख़ानदान में कोई अच्छा सा लड़का ताजवर के लिए देखिए, जो उसके साथ सजे भी।
एक बार अपनी मर्जी करके देख चुका हूं मैं। वो हारिस से शादी जरूर कर रही थी लेकिन मजबूर है। सादतमंद बेटियां तो ऐसी ही होती हैं। लेकिन इस बार उसे इम्तिहान में नहीं डालूंगा मैं। शाही आप उससे बात करके देखें ना कि उसका झुकाव किस तरफ है। आप बात करके तो देखें उसे। मैं जरूर बात करूंगी। इससे बड़ी मेरे लिए और इज्जत अफजाई की बात क्या हो सकती है। मैं बात करूंगी। माशाल्लाह बिटिया आप जा रही थी ना तो मैंने सात मुच्छों से उसकी नजर उतारी। चश्मे बद दूर जब उसे नजरे बद से बचाए। इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे दुल्हन होती है। आई खाने के लिए आ जाइए। हाँ हाँ जरूर। हाँ जी हुमायूं भाई, मैं आपको अब भी वॉर्न कर रही हूँ कि आप पापा से आप ही के लिए बात करें। आपको पता है आज कम से कम 6 आंटियों ने ना आप ही को अपने बेटों के लिए मार्क कर लिया है और उनमें से 2-4 तो कल ही रिश्ता लेकर आ जाएंगी। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ। स्पेशली वो आपको याद है वो नाजो खाला, वो तो आके मेरे पास ही बैठ गई थी और मुझे कहती कि अगर जहाँ जेब के लिए हम ताजवर का रिश्ता लाएं तो अंकल कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं तो चुप ही हो गई। क्या मेरी कोई राय नहीं है इसमें? पापा का जिसके साथ दिल चाहे मेरी शादी कर दें और तुमने करनी है कर लो उस जहाजेब से शादी। कंजा मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ जा रही हो, थोड़ी देर मुझसे भी बातें कर लो। हुमायूं मैं कह रही हूँ इस बार मेरे साथ कोई उटपटांग हुई ना तो सचमुच आप मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। बचपन में मुझे बड़ा शौक था शायरी करने का। उसके बाद फिर पढ़ाई के चक्कर में शायरी कहीं गुम हो गई। कल रात में जब मैं बैठा तो मैं याद कर रहा था एक गजल लिखी मैंने। सुनो। मुझे कोई गजल नहीं सुननी है, मुझे इससे मत बहलाएं। अच्छा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम अंदर जाओ, जाके चेंज करो। मैं भी घर पहुंच गई तो मैं फोन करता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि कोई और रिश्ता आ जाए आप पापा से बात करेंगे। Okay. अब तो कोई रुकावट नहीं है। क्यों बुलाया? कल तुमने एक गजल सेंड की थी, तुमने बताया नहीं कैसी है। मुनासिब थी। एक बात बताऊं, कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, पूरी रात सो नहीं सका। पता नहीं मैं सब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, समझ में नहीं। इसे प्यार कहते हैं। शुक्र है खुदा का कि आपको भी हो गया। अब बस देखते हैं कौन किसको ज्यादा चाहता है। I've got something for you. ये तो हारिस के लिए है। इस हाथ में पहना दे। नहीं छोड़ रहने दो। मम्मी की अंगूठी उस उंगली में पहनाई जाती है। आप ही पापा ने आपको बुलाया। क्यों?
मिलके तो गई थी उनसे? नाजो खाला आई थी आपके लिए शाजीब भाई का रिश्ता लेकर। मतलब मेरे साथ ये ज्यादती दोबारा करना चाह रहे हैं? नो। आपी, दामन भरने के लिए झोली का फैलाना भी जरूरी होता है, और इस दफा आपको अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। प्लीज जाएं और जाके पापा से बात करें। ये पकड़ना, दुआ करना। अवतार जरूर बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आपने मुझे कोई फैसला सुनाना होगा तो बस यही सौंपते हैं। जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं अच्छा शौहर नहीं बन सका तो अच्छा बाप भी ना बन सकूं। नाजो आई थी, शाजीब के लिए बात की थी। आप हाँ सुनना चाहते हैं? जवाब अभी दूं या आपको अपनी बात खत्म करने दूं? देखो, हारिस से मंगनी के वक्त हालात मुख्तलिफ थे। हम लोग रोजाना ग्रो करते हैं पौधों और दरख्तों की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि पौधों और दरख्तों का पढ़ना दिखाई दे जाता है, बच्चों का पढ़ना दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं वो चाहता हूं जो तुम चाहती हो। जो मैं चाहती हूं वो आपको कभी भी मंजूर नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि जैसी चीजें हैं आप वैसी रहने दें। हारिस की डेथ के बाद ऑफकोर्स मैं उदास थी, इंसान हूं, लेकिन आपने कहा है ना, लोग ग्रो करते हैं, तो बस ग्रो कर जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, एक दिन नॉर्मल हो ही जाना है। मेरी जान, खुश होने के लिए भी एक वजह चाहिए होती है, इसी तरह गमगीन होने के लिए भी एक वजह चाहिए होती है। आज मैं तुम्हें नॉर्मल होने के लिए एक वजह देना चाहता हूँ। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तुम्हें फैसले करने आ गए हैं, फैसला सुनाना आ गया, तो सुना दो आज फैसला। आप बात जा रहे हैं? मैंने कुछ कहा तो नहीं आपसे, मैं जा रही हूँ। हमायूं के पेरेंट्स तो नहीं है, उससे कहो कि मेरे पास आकर तुम्हारे लिए बात करे, तो उसके साथ बहुत खुश रहोगी। बहुत अच्छा और समझदार लड़का है ना। आप वही कह रहे जो मैं सुन रही हूँ? खुदा को हाजिर नाजिर जान कर तुम्हारे सामने ये कहता हूं ताजुर कि निकट अपनी मर्जी से हमें छोड़ कर गई। उसने नर्स से छुप कर अपना ऑक्सीजन का मास्क उतार दिया था। मैं चाहता था कि वो जिए, जीती रहे, ताकि मैं अपनी मोहब्बत से इस गुनाह को धो सकूं, इस बेवफाई के बदनुमा दाग को मिटा सकूं। मगर आया है माइयों। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक? आई एम गुड अंकल, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। कोई काम था? कैसे आना हुआ? नहीं अंकल, ताज से मेरी बात हुई थी, आपने मुझे बुलाया था ना, आपको कोई बात वगैरह करनी थी। रेडी? मुझे तो शाही ने बताया कि तुम्हें कोई जरूरी काम था। मैं आई वाज ऑन द ट्रेडमिल, तो मैं तो तुमसे मिलने आ गया इसलिए। अच्छा, आई थिंक शायद फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आई एम सॉरी आपको मैंने इस तरह डिस्टर्ब किया, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर आता हूँ। हाँ, आर यू श्योर कोई काम नहीं? नहीं नहीं अंकल, कोई काम नहीं था। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर मिलता हूँ। ठीक है। हुमायूं जी अंकल, ताजवर से शादी करोगे?
जी मैं चाहता हूँ सब कुछ सादगी से हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी खुशियों को दोबारा किसी की बुरी नजर लगे। मेरे दोस्त, जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। तू मेरी खुशियों में शरीक हो सकता तो मुझे ये खुशी ना मिलती, और अब जब तू मेरी खुशियों में शरीक नहीं है तो इस खुशी की मुझे वैसी खुशी नहीं है। किस्मत ने क्या सिक्का फेंका यार, एक रुख पर तुझे खोने की हार है तो दूसरे रुख पर ताजवर को पाने की जीत। मैं खुलकर हंस सकता हूं ना खुलकर रो सकता हूं, लेकिन एक वादा करता हूं कि ताजवर को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। उसकी आंखों में कभी नमी नहीं आने दूंगा, उसके चेहरे से जिंदगी की सुर्खी कभी कम नहीं होने दूंगा मैं। अगर कहीं से चुरा कर भी लानी पड़े तो भी उसके लबों पर मुस्कुराहट मांध नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं। जी अंकल, सेमेस्टर ब्रेक है मेरा तो मैंने सोचा कि लाहौर आ जाऊं। 8 घंटे की फ्लाइट है, 24 तारीख तक मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर बेटा, तुम जरूर आओ। बल्कि वो घर तुमने सेल कर दिया, क्या हुआ? ही तुम्हारा अपना घर है, तुम यहीं ठहरना, हॉस्टल वॉस्टल में नहीं। हाँ ताजवर कैसी है अंकल? ताजवर ठीक है, मैं फिर तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा, राइट? हाँ ओके, अभी फिर बाद में बात करते हैं। साहब जी, बाहर बहुत से मेहमान आए हैं और आप ही का पूछ रहे हैं, इसी आप जल्दी आ जाइए। ये मुझे दीजिए, मैं पहना। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जाए, मैं आता हूँ। हेलो जी, दुल्हन साहिबा तैयार हो गई आप? मेरी मेहंदी का रंग कैसा है, गहरा है ना? बहुत, मैंने बड़ा बड़ा एक H और एक T लिखवाया है। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा मेकअप और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी खूबसूरती सादगी में ही है। फिक्र मत करें, इतनी तैयार नहीं हुई। अच्छा सुने, मेरे दिल में अजीब से हॉल उठ रहे हैं, जैसे पता नहीं कुछ होने वाला है, आप प्लीज जल्दी आ जाए। ओके आ गया, बस आ गया। आगे से लेफ्ट ले लेना। अभी सलमान शाही से जाके पता करो मिठाई का क्या हुआ। जी जी बस अभी ले। हो गई बात तुम्हारी? ठीक है, हुमायूं भी नहीं आया अभी तक। इस लड़के ने तो नाक में दम किया। सॉरी अंकल, क्या हाल है ब्रो, कैसे हैं आप? कैसे आ गए तुम हमारे? सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी। भीतर वो कहां रह गए थे? अंकल ताज के लिए फ्लावर्स ले रहा था, उसके लिए लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। ये दूल्हा को देखो, शादी पे भाग भाग के काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है किसी पराई शादी में आया है। वो निकाह खान का क्या हुआ? अरे हां अंकल, निकाह खान से मैंने बात की, उसी का फोन होगा शायद। तो सलमान का फूल वहां रखो, जाके पता करो मिठाई का क्या हुआ। हेलो, क्या ख्वाजा साहब? अच्छा कि आप आ गए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि किसी और गवाह का बंदोबस्त करें। भला ऐसे कैसे हो सकता है रफीकी साहब, हमारी बेटी की शादी है आज, दूल्हा मियां नजर नहीं आ रहे। अब तो आप तो हमायूं से मिले नहीं। हमायूं ये क्या हुआ? सामान का फोन था अंकल। तू
हारिस जिंदा है। जिंदा है वो। पर मेहंदी लगाई हुई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम ही मेरी जाने की वजह। क्यों मायूस? हारिस भाई, आप इस होली में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अंदर चले और चलकर फ्रेश हो जाएं। हमने आपके लिए वो नीचे वाला बेडरूम है ना, वो तैयार कर दिया। मेरा यहाँ रहने का इंतजाम क्यों किया? मैं अपने घर पे रहूंगा। अपिया कहाँ है? हारिस, अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अपिया भी आ जाएगी। चलो, अच्छा, अपिया भी आ जाएंगी। पापा, आप प्लीज ताजर पर ये जुल्म ना करें, प्लीज। नूर, तुम खुद बताओ, मैं इन हालात में हारिस को ये कैसे बताऊं कि हम ताजर से हमायों की शादी तकरीबन तय कर चुके थे। अरे, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? साहब, आपने ताजर की तरफ नहीं देखा, किस तरह से बुझ के रह गई है वो, बल्कि मुझे तो चलता फिरता मुर्दा दिखाई देती है। यही हकीकत है। और जल्द या बदेर ताजर को इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। पापा, लेकिन आप एक दफा हारिस भाई से बात तो करके देखें। किस मुंह से मैं उससे बात करूं? जैसे तुम हमाइयों को नहीं जानती। अरे, वो हारिस का जानिसार दोस्त है, वो इस सूरत हाल पर कैसे रिएक्ट करेगा? पापा, आप प्लीज आप ही पर ये जुल्म ना करें। हारिस के वापस आने के बाद वो ताजवर पर एक नजर भी डालेगा? अरे, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। आप ही की फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाह रहे। मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती पापा, प्लीज। साहब, आप तो अपने मरहूम दोस्त की दोस्ती को निभा रहे हैं और हमायूं बेटा अपने दोस्त पर अपनी जिंदगी निछावर कर रहा है, लेकिन इन दो दोस्तों के दरमियान मेरी बेटी क्यों बर्बाद हो रही है? क्यों? शाही बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए तो प्लीज हमें भी दे दीजिएगा। आप लोग सब कुछ गर्ज हो रहे हैं। नेकियां समेटने के चक्रों में आप ये भूल गए कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा मत करें पापा, प्लीज। पापा, आप जरा गौर करें, आपकी सगी औलाद ताजवर है, हारिस या हुमायूं भाई नहीं। आज अगर मामा जिंदा होती ना तो आप ही पर जुल्म कभी ना हो रहा होता। नूर, मुझसे बदजुबानी मत करो, चली जाओ यहां से। नूर, किसी को हारिस से बात करनी होगी, उसे बताना पड़ेगा कि सब कुछ बदल गया, अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। मुझे बहुत डर लग रहा है, हुमायूं मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे, बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए। आपी, इस वक्त हारिस भाई का जो हाल है, हम में से कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सकता, और शायद इसीलिए हुमायूं भाई भी खामोश हैं। नहीं नहीं, वो जिस तरीके से मुझे देख रहा है ना, जैसे उसकी नजरें मुझे बताना चाह रही हो कि ताज हमारे बीच में जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, जैसे रेत पे लिखे हुए किसी के नाम और समुद्र की लहरों से ले गई हूं। नहीं आपी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ही तो आए हारिस भाई, उनको थोड़ा वक्त तो दे संभलने का। नहीं, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है, हारिस की झूठी मौत से भी बड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि हारिस को मुझे खुद बताना पड़ेगा। पता नहीं कब मुझे होश आया तो पता लगा मैं कैद। वहां काफी सारे लोग थे, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, उन्हें तावान के चक्कर में अगवा किया गया था। शायद इसी वजह से मैं बच गया।
जब उन्हें पता लगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, उन्होंने अपने सारे इलाज मुझसे कराने शुरू कर दिए। कभी मैं किसी के जख्म ट्रीट करता था, कभी किसी को ठीक करता था। फिर एक बॉम्ब बनाने वाले की उंगलियां उड़ गईं। मैंने उसका ऑपरेशन किया, उसे ठीक किया। इन रिटर्न उन्होंने मुझे इनाम ये दिया कि एक पूरे दिन के लिए उन्होंने मुझे खाना दिया पेट भर के। मेरी इज्जत नफ्स मार दी थी उन लोगों ने। बस हर वक्त यही डर लगता था कि मुझे किसी भी वक्त मार देंगे। आओ ताजू, बैठो। फिर क्या हुआ? बस मैं ताजवर के बारे में ही सोचता रहता था। बहुत फिक्र होती थी मुझे। फिर एक दिन फैसला किया कि यहां से भागना चाहिए। और फिर एक सिचुएशन बन गई। वो अपने कैदियों को शिफ्ट कर रहे थे और उस हप्पड़ दप्पड़ में मैंने दौड़ लगा दी। मैं एक जगह जाके छुप गया और फिर वहीं के एक शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा ये मुझे वापस लेके जाएगा और वो मुझे मार देंगे, लेकिन टू माय सरप्राइज उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे वापस नहीं लेके गया। तुम्हें पता है वो शख्स कौन था? वही बॉम्ब बनाने वाला जिसको मैंने बचाया था। उसी की वजह से मैं वहां से भाग कर आया। खैर, फोन नंबर किसी का याद नहीं था मुझे, चल मैं सकता नहीं था। बस लेट कर दुआएं करता रहता था और तुम लोगों को याद करता रहता था। तेरा यू इस तरह वापस आना किसी मौजज़े से कम नहीं यार। Should be thankful to God that you're back. ताजवर, तुम खुश हो ना मेरे वापस आने पर? बताओ। खुश कैसे नहीं होगी यार, बहुत खुश है वो, बहुत खुश है। तेरे जाने के बाद तो बेचारी बिल्कुल उदास हो गई थी, बहुत गम में थी। है जब इंसान किसी से दूर हो जाता है ना, उसे बहुत कदर होती है। मैंने बहुत मिस किया था पिया को, माइयों को, सबको बहुत मिस किया। बस हर वक्त यही फिक्र होती थी कि हुमायूं ने तुम्हारा ख्याल रखा है या नहीं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बल्कि मेरी खुशी के लिए इन्होंने तो ख्याल तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ही रखा यार। मूवीज दिखाने लेके जाता था, खाना भी खाने गए तो दफा, लेकिन ये बेचारी तुझे इतना याद करती थी कि बस तेरी यादों में खोई रहती थी। इसके लपों पे हमेशा खामोशी रहती थी, हंसी कभी आई ही नहीं। बहुत थक गया यार, बहुत नींद आ रही है। अगर दिल कर रहा है सिर्फ तुम दोनों को देखता रहूं, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। चल तू आराम कर ले। बोलो क्या बात है? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। मुझे कुछ कहने की जरूरत है। क्या मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में लिखे सवालात आपको नजर नहीं आ रहे? हाँ, अगर आप उन सवालों से ना वाकिफ है तो और बात है। तुम मेरे पास हारिस की अमानत थी, मैंने उस अमानत में खयानत किया और तुमने भी। नहीं, मुझे मुजरिम मत बनाए। मैंने कभी भी हारिस को उस तरह पसंद नहीं किया था। मैंने तो बस हामी भर ली थी क्योंकि आपने हार मानी थी। देखो ताज, अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो तो प्लीज हारिस के पास वापस चले जाओ, प्लीज। नहीं, बहुत हो गया। एक बार गलत फैसला किया था, मैं बार बार नहीं करूंगी।
प्लीज हुमायूं जाके हारिस से कहे, उनके जाने से वक्त थम नहीं गया, दुनिया बढ़ती रही। जब वो गए थे खजान थी बाहर होने वाली। वो ऐसी बात को कबूल नहीं करेगा ताज। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी खातिर, मेरी खातिर तुम उसे अपना लो। और आपका क्या, ये आपके जिस बात, आपकी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मेरी सारी तमन्नाएं हसरत ही बनती रही है। मैं जानता हूं कि तो मेरे नसीब में हो ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी हारिस के साथ बहुत अच्छी रहेगी ताज, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो, मेरे साथ नहीं। हुमायूं, मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब आपका जी जाए आप खेलें और जब आपका दिल करे आप अपने दोस्त को दे दें। मैं जीता जागता इंसान हूं, मैं ताजवर हूं। Excuse me, sir. ताजवर बीबी या रफीकी साहब कहाँ मिलेंगे सर? जी यहीं पे मिलेंगे। क्या काम है आपको? हारिस भाई, मैं इनको ले जाती हूँ ना, आप यहाँ पर एक्सरसाइज करें, चलें आप मेरे साथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, काम क्या है आपको? ताजवर बीबी के विलीमे का जोड़ा लेके आया था। ताजवर बीबी की शादी का जोड़ा? वो अब देखिए ना, शादी तो हो ही जानी है, तो अबू ने सोचा होगा कि पहले से ही जोड़ा बनवा के रख लेते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए थी तो बता देते, मास्टर साहब कह रहे थे कि 25 को शादी है और अभी तक कोई जोड़ा लेने आया नहीं। क्या मतलब? पता नहीं हमें किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। भाई तुम बोलते बहुत ज्यादा, अंदर चलो मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। चले आप एक्सरसाइज करें। अंकल मुझे तो सचमुच में मौजों पे यकीन हो गया। आपको याद है जब हम कहाँ गए थे, किस तरीके से सर्च पार्टी सब कैसे हारिस को ढूंढ रही थी और वो नहीं मिला था, और अब अचानक से कैसे मिला भाई? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, ये लेटर्स ताजवर ने लिखी है। Are you sure? हाँ हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ताज बहुत उदास हो गई थी, तुम्हारी याद में ये लेटर्स लिखा करती थी। अब मुझसे कहती थी कि इनको पोस्ट कर दो। कहाँ पोस्ट करता, इसलिए संभाल के रख लिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ताजवर और लेटर्स। हारिस अपिया, ओह माय गॉड, ऑलरेडी बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। मुझे जब खबर मिली कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ। मजाक किस्मत ने खेला मेरे साथ। I missed you. अपिया कैसी हैं आप? और जर्मनी कैसा था? और भी आपके थीसिस में कितना टाइम है? 2 साल की पढ़ाई अभी बाकी है और रिसर्च भी तो रहती है। खैर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम अपनी नंद को लेने के लिए आओगे एयरपोर्ट। हाँ वो मसरूफ हो गई थी। फोर्स जब मेरा भाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसकी बहन कैसे हो सकती है? आप कहना क्या चाह रही हैं? आप मुझसे कुछ खफा लग रही हैं, क्या कोई खास बात है? खास बात? बहुत ही आम सी बात है, यही कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो पिछले 3 साल से। याद है तुम्हें
उस दिन मायों की रात जब तुम हमारे घर आई थी हुमायूं से मिलने के लिए, जो बातें तुम उससे कह रही थी वो सब की सब मैंने सुनी है इन कानों से। ओह चलो, अच्छा हो गया कि आपको पता है, बल्कि मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। मैं अभी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं तो किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सच ये है कि मैं हारिस से पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी और अब भी नहीं करना चाहती, बल्कि जब पता चला कि हारिस जिंदा है तब मेरा और हुमायूं का निकाह होने वाला था। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? आप जानती हैं कि मैं हारिस को पसंद नहीं करती उस तरह, फिर भी आप। लेकिन मेरा भाई तुम्हें चाहता है और मैं हर हाल में अपने भाई की ख्वाहिश को पूरा करूंगी। ये जानते हुए भी कि मैं और हुमायूं एक दूसरे को चाहते हैं। वो तो हासिन का सांप निकला, और तुम्हारी सजा भी यही है कि तुम ना चाहते हुए भी हारिस की दुल्हन बनो और दिन रात तड़पो। ऐसे ना कहें, हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खासतौर पर हारिस की। वो कैसे खुश रहेगा? ना पाकर वो कौन सा खुश रहेगा? हाँ? वो तो इसी एहसास से मर जाएगा कि उसकी महबूबा और उसका बड़ी आपस में। How disgusting! मैं अपने भाई का दिल कभी भी नहीं टूटने दूंगी। अंकल से आज ही बात करूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये निकाह हो जाए। इसमें बिल्कुल कोई डिले नहीं होना चाहिए। ऐसे मत कहें। तुम चाहो तो तैयारी कर सकती हो। आप बुजदिल हैं, आपको कॉम्प्लेक्स है अपनी कम मायगी का। सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं आप। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी इसी वक्त जाके हारिस को सब कुछ सच सच बताऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है ताजवा, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा किया ना फिर जिंदगी भर के लिए गायब हो जाऊंगा। ढूंढते रहना तुम भी और हारिस भी। हारिस से रिश्ता खत्म करके तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती। मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का होगा ना। मैं जा रही हूं। ताज, ताजवर, आओ बेटा। मैं कितना लकी हूं, मुझे पता ही नहीं था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या मतलब? ये जो तुमने लेटर्स लिखे हैं इनकी बात करो। I love you, Tajwal. I really love you. I've always loved you. Haris, ये letter. अरे बड़ी, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है यार। तेरे लिए खुशखबरी है। अभी अपने यहाँ से बात हुई थी, उसने अंकल से बात की। नेक्स्ट वीक हमारा निकाह है सादगी के साथ। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। किसी हासिद की नजर ना लगे मेरे भाई को। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, एक बार फिर से नजर उतार दो। बस कर दें अपिया, सुबह से 15 बार आप मेरी नजर उतार चुके हैं। किसकी नजर उतर रही है? तुम्हें नहीं पता,
कैसे कैसे लोग तुम्हारी शादी के खिलाफ हैं। क्या हो गया आपको अभी? मैं अपनों में गिरा हूँ, मुझ तक किसी की बुरी नजर कैसे पहुंचेगी? बैठ जाए यार। हुमायूं, वी नीड सम प्राइवेसी। ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ देर के बाद आ जाओ? हुमायूं रुक जा। अरे बात तो सुन, अब यह क्या कर रही हैं? जब से आप आई हैं आप उसके साथ इतनी बेटर क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को उनकी जगह पर रखना जरूरी होता है, वरना वो हमारे साथ अपनी जगह बदल लेते हैं। और हुमायूं भी उन्हीं लोगों में से है। हुमायूं भी उन्हीं लोगों में से है? आप कहना क्या चाह रही हैं? अच्छा, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दोस्ती और मोहब्बत में से मैंने दोस्ती का इंतखाब कर लिया।